हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए खास अपडेट। जी हाँ, आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे कि रॉ एजेंट कैसे बने, रॉ में कैसे भर्ती हो, जाने यहाँ। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस बेहतरीन वीडियो की। सो गाइस, जैसा कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के बारे में। इस वीडियो का टॉपिक है रॉ एजेंट कैसे बने, रॉ बनने के लिए क्या करें, रॉ कैसे ज्वाइन करें, रॉ एजेंसी में शामिल होने के लिए क्या करें, रो में भर्ती होने के लिए क्या करें। सो गाइज, नाउ टॉक अबाउट ऑन दिस टॉपिक्स। पहला है रो क्या है, रो एजेंट कैसे काम करते हैं। तो दूसरा है रो भारत के रो एजेंट की कार्य। तो ये तीसरा है रो एजेंट कैसे बने। तो ये चार नंबर पर आता है रो एजेंट बनने के लिए क्या है योग्यता। तो ये पांच नंबर पर आता है रो में भर्ती होने के तरीके। जैसा कि बात करें रो क्या है, रो एजेंट कैसे काम करते हैं, तो बता दें आपको रो ये भारत का सबसे गोपनीय खुफिया विभाग है। रॉ का मतलब है अनुसंधान एंड विश्लेषण स्कंध, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इनके कार्य के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता चलता, यहाँ तक कि रॉ एजेंट के परिवार वालों को भी इनके कार्य के बारे में पता नहीं होता है। लेकिन आखिर वो लोग कौन सा काम करते होंगे, ये सवाल आपके मन में उठता होगा। तो चलिए आगे जानते हैं रॉ एजेंट कैसे काम करते हैं इसके बारे में। सो गाइस, जैसा कि अब आगे जान लेते हैं भारत के रॉ एजेंट के कार्य क्या होते हैं। रो एजेंट कैसे कार्य करते हैं इसके बारे में हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं, या फिर फिल्मों में जैसे दिखाए वो ही बता सकते हैं। लेकिन फिल्में भी रियल लाइफ से जुड़ी होती हैं। एक था टाइगर, टाइगर अभी जिंदा है। इन फिल्मों में रो के कार्यों के बारे में दिखाया गया है। फिल्मों के अनुसार व कुछ जनरल जानकारी के अनुसार रो एजेंट के कार्य बेहद ही रोमांचक और जोखिम भरे होते हैं। जैसा कि बता दें आपको रो के कार्य क्या है, गुप्त तरीके से जांच पड़ताल करना, देश के लिए जरूरी कामों को गुप्त तरीके से अंजाम देना, गुप्त तरीके से भारतीय सेना की सहायता करना, गुप्त तरीकों से देश के दुश्मनों का सफाया करना, गुप्त तरीके से देश विरोधियों की चाल के बारे में देश व भारतीय सेना को सतर्कता करना, गुप्त तरीके से बाकी सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसियों की सहायता करना। जैसा कि आगे आता है रो एजेंट कैसे बने, रो एजेंट बनने के लिए क्या करें। तो बता दें आपको इस खुफिया एजेंसी में जॉब पाना आसान तो नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है। इस जॉब के लिए आवेदन करते समय आपको आपका पूरा विवरण देना पड़ता है, जैसे कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपकी आर्थिक स्थिति, बैंक डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, आपका मानसिक संतुलन ठीक होने का सबूत, राजनीति के बारे में आपके विचार आदि कई सारे जवाब व सबूत देने होते हैं। उसके बाद ही आप आगे बढ़ने की अनुमति मिल सकती है। दोस्तों जैसे कि बता दें रॉ में भी भर्ती होने के लिए आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी भी जांच होती है। इसके अलावा एक कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। अगर आप उसमें पास हुए तो एक इंटरव्यू होगी और उसके बाद कुछ दिनों का प्रशिक्षण और उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होगा, आपको इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक और जरूरी बात, जो इस जॉब के लिए एक कंडीशन रखी गई है कि आवेदक कुछ सिविल सेवाओं पर कार्यरत होना अनिवार्य है, क्योंकि रॉ में कोई भी सीधी भर्ती नहीं है। रॉ में सभी भर्ती अप्रत्यक्ष तरीके से की जाती है, जिसकी जानकारी वीडियो में दी हुई है। जैसा कि अब आगे जान लेते हैं रॉ एजेंट बनने के लिए क्या है योग्यताएं। तो बता दें आपको रॉ एजेंट बनने के लिए आप में कुछ निम्न योग्यताएं होनी चाहिए, तभी आप रॉ एजेंट बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वीडियो में देखें क्या है आवश्यक योग्यताएं। तो पहला आता है उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। तो वही दूसरा आता है आवेदक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य है। तो वही तीसरा आता है आवेदक की अंग्रेजी भाषा में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो वही चार नंबर पर आता है उम्मीदवार को कंप्यूटर ऑपरेशन या कंप्यूटर भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। तो वही पांच नंबर पर आवेदक को किसी भी तरह के नशे की आदत नहीं होनी चाहिए। तो वही छह नंबर पर है आवेदक शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। जैसे दोस्तों आखिर में जान लेते हैं क्या है रॉ में भर्ती होने के तरीके। तो बता दें आपको पहला आता है एयरफोर्स के जरिए, दूसरा है आर्मी के जरिए, तीसरा है नेवी के जरिए, चार नंबर पर आईबी यानी कि इंटेलिजेंसी ब्यूरो के जरिए, तो ये पांच नंबर पर सीबीआई के जरिए, छह नंबर पर आईपीएस सेवा के जरिए, सात नंबर पर आईएएस सेवा के जरिए, आठ नंबर पर आईएफएस सेवा के जरिए। गाइस जैसा कि बता दें आपको रॉ में कोई भी सीधी भर्ती नहीं है। रॉ में सभी भर्ती अप्रत्यक्ष तरीके से की जाती है। अगर आप वीडियो में बताई गई सेवाओं पर कार्यरत हैं तो आप रॉ में भी भर्ती होने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में बताई सेवाओं में आवेदक का उत्कृष्ट सेवा रिकॉर्ड भी होना अनिवार्य है, तभी आप रॉ में भर्ती होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप रॉ एजेंट बनना चाहते हैं तो आपको वीडियो में बताई गई सेवाओं में से किसी भी एक सेवा में नौकरी के लिए आवेदन करना चाहिए। अगर आप वीडियो में बताई गई सेवाओं में से कोई भी एक जॉब हासिल कर लेते हैं तो आप तो उसके बाद उस जॉब पे रहते हुए भी आप रॉ ज्वाइन करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस जानकारी के अलावा आप
अगर रॉ एजेंट कैसे बने इस वीडियो से संबंधित कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसा कि दोस्तों अभी के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन आगे आने वाली ऐसी ही अपडेट से वाकिफ रहने के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और करिए इंतजार हमारी अगली अपडेट का। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।